हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड अरीना। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट के वेरियस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है नॉर्थ ईस्ट स्टेट रीजन, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय है, जिसे हम लोग सेवन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे। विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट विल कनेक्ट द इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे प्रोजेक्ट। आपके पास है ऑप्शन चार, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में दे, मैं इसका सही आंसर वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज मेनली दो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला है कलादान प्रोजेक्ट और दूसरा है रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। कलादान प्रोजेक्ट बेसिकली तीन सेक्शन में बनाए जाएंगे। पहला है 539 किलोमीटर लॉन्ग रूट, जो कि कोलकाता पोर्ट को सिडबे पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा। दूसरा सेक्शन है 158 किलोमीटर रिवर बोट रूट, बेसिकली सिडबे पोर्ट को पलेटा स्थित इनलैंड वाटर टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा। और थर्ड सेक्शन है 62 किलोमीटर लॉन्ग रूट, बेसिकली ये फोर लेन एक्सेस कंट्रोल रोड होगा जो कि पलेटा को मिजोरम से कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने में 484 मिलियन यूएसए डॉलर का खर्च आया है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट पे कर रही है। ये जो प्रोजेक्ट है, जिस रूट से जा रहा है उस रूट में कुछ इंसर्जेंट ग्रुप है, जैसे अराकान आर्मी, रोहिंग्या सेलिब्रेशन आर्मी। ये लोग नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट बने, क्योंकि ये उनका उनका जो इम्पैक्ट है इस रीजन में कम हो जाएगा, जिसके वजह से वो नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट बने। प्रोजेक्ट कुछ इस प्रकार का होगा। ये जो आप मैप देख रहे हैं, यहाँ पे कोलकाता एयरपोर्ट है जिसको कनेक्ट किया जाएगा सिडबे पोर्ट से। ये सिडबे पोर्ट है बेसिकली, और इसको कनेक्ट किया जाएगा यहाँ हल्दिया पोर्ट से, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये 539 किलोमीटर लॉन्ग सी रूट होगा, जो कि कनेक्ट करेगा हल्दिया पोर्ट को सिडबे पोर्ट से। और सिडबे पोर्ट से बेसिकली इनलैंड वाटर, जो कलादान रिवर है, उसके थ्रू गुड्स को पलेटा लाया जाएगा। सपोज कीजिए कि कोई भी गुड्स, जैसे बड़े बड़े कंटेनर में हल्दिया पोर्ट से सिडबे पोर्ट पहुंचेंगे, तो यहाँ पे छोटे जहाजों में गुड्स को रखकर रिवर के थ्रू पलेटा लाया जाएगा और यहाँ इनलैंड वाटर टर्मिनल से रोड के थ्रू मिजोरम पहुंचाया जाएगा, जो कि 129 किलोमीटर ये रोड होगा। तो ये इंडिया को एक अल्टरनेट रूट प्रोवाइड करता है टू कनेक्ट विद नॉर्थ ईस्ट स्टेट। कलादान प्रोजेक्ट इंडिया और म्यांमार दोनों के लिए इम्पोर्टेंस है। इंडिया के लिए इस प्रकार इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई भी गुड्स अगर इंडिया को नॉर्थ ईस्ट रीजन में भेजना हो तो उसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर होकर जाना पड़ता है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक नैरो रूट है जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट को कनेक्ट करता है। सपोज कीजिए कि इन फ्यूचर में अगर चाइना अटैक कर देगा इंडिया पे, तो इस रूट को पहले चाइना डिसकनेक्ट करेगा, जिससे इंडिया कट जाएगा नॉर्थ ईस्ट रीजन से। तो इंडिया के पास एक अल्टरनेट रूट होना चाहिए टू कनेक्ट विथ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ताकि जो वार्स के टाइम में जो कट जाएगा नॉर्थ ईस्ट रूट से, तो उसके पास एक अल्टरनेट रूट होगा टू कनेक्ट विथ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये प्रोजेक्ट उसको एक अल्टरनेट रूट प्रोवाइड करता है, जिससे दोनों को फायदा होगा, इंडिया और म्यांमार को। यहाँ पे ये जो रीजन है, ये इसका रीजन डेवलप्ड हो जाएगा और इंडिया को एक अल्टरनेट रूट मिल जाएगा। इस प्रोजेक्ट से नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको बूस्ट मिलेगी। यहाँ पे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होगी, जिससे यहाँ के लोग में एक स्टैंडर्ड लिविंग का एक अप्रोच डेवलप्ड होगा, जिससे यहाँ पे मोबिलिटी आसान हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन करने में आसान हो जाएगी, और जहाँ भी रेलवे, रोड ये सब कनेक्ट होते हैं, वहाँ का उस एरिया का डेवलपमेंट अपने आप हो जाता है। अब हम बात करते हैं
वेरियस रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में चल रहा है। पहला प्रोजेक्ट है जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट, दूसरा है तितलिया बैरनीहाट रेलवे प्रोजेक्ट, थर्ड प्रोजेक्ट है वैरवी सैरांग रेलवे प्रोजेक्ट, फोर्थ प्रोजेक्ट है दीमापुर कोहिमा रेलवे प्रोजेक्ट, फिफ्थ प्रोजेक्ट है सिवोक रैंगपो रेलवे प्रोजेक्ट। ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन और इसी में रेलवे का वेरियस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहा है। ये इंडियन रेलवे का ट्रैक का मैप है, कुछ इस प्रकार है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। तो तितली बैरनीहाट प्रोजेक्ट जो 22 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि बेसिकली मिजोरम के तितलिया गांव को कनेक्ट करेगा बैरनीहाट। बैरनीहाट बेसिकली शिलोंग के नजदीक है, जिसे कनेक्ट करेगा और इसका डेडलाइन मार्च 2022 रखा गया है। और दूसरा प्रोजेक्ट है दीमापुर कोहिमा प्रोजेक्ट। बेसिकली दीमापुर में ऑलरेडी रेलवे की एक एग्जिस्टिंग लाइन है, बेसिकली यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जो कि जिससे कनेक्ट किया जाएगा कोहिमा जो कैपिटल है नागालैंड का, जो कि 82 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेस होगा जिसको कनेक्ट कर दिया जाएगा मार्च 2022 तक। और सेकेंड है जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट। जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट मणिपुर के लिए एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिरीबाम में ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लाइन है जो कि मणिपुर के बॉर्डर के नज़दीक जिरीबाम है, उसको कनेक्ट किया जाएगा इम्फाल जो कि कैपिटल है मणिपुर का। और ये 111 किलोमीटर लॉन्ग रूट होगा। और फोर्थ प्रोजेक्ट है वैरवी सैरांग प्रोजेक्ट, जो कि मिजोरम के वैरवी गांव को कनेक्ट किया जाएगा सैरांग गांव से, जो कि आइजोल के काफ़ी नज़दीक है। ये 51 किलोमीटर लॉन्ग प्रोजेक्ट होगा। और एक रैंगपो सिवोक रैंगपो प्रोजेक्ट यहाँ पे सिक्किम में चल रहा है, उसका डेडलाइन है 2023 तक कंप्लीट होने का। तो कुछ इस प्रकार का अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट विल कनेक्ट द इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे प्रोजेक्ट। इसका बेसिकली करेक्ट आंसर है मणिपुर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।